हाँ साहब, सभी से मैं सही निवेदन, जिस प्रकार से भजन जिगड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से लेते रहे हैं। कलाकार बारी बारी से अपनी कला का प्रदर्शन आपके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती हूँ उसके भी बराबर नहीं हूँ। और संचालक जी पतो न जन काका कहने कोई बात ना है, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा घर गाँव में कछु कह सकते। भैया जी आप जैसे विद्वानों ने लिखा और सुनिएगा कैसे। भैया कि आया है तू जगह और सब लाड़ लड़ावे तोय और बचपन बीत्यो बात तुम्हें तेरी गई जवानी सो। लेकिन कहा कि देख बुढ़ा पोरोई रहो और अब कोई न पूछे तो और लक्ष्मण वो दिन याद कर जब ले चल हो। धर्मवीर भैया सुस्ती है छोड़ दे, फुर्ती में आ जा। और देखिए इस इंसान को बार बार चेतावनी दी और कहा क्या भैया धर्मवीर क्या, और तू मत ना बने होशियार बाबूरे। और देखिए एक बार निवेदन सभी से, जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दोहा दिए एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके अपनी जिब्बा को पवित्र करते हुए प्रेम से बोलेंगे। बोलिए भैरव बाबा की। ऐस तो ना लगे माय ब्रज में जयकारो। भैया कछुन ने उठाए रहे कछुन ने ना उठाए। देखो साहब हाथ जोर के निवेदन है, जाट की छोरी है ना का तो सुन लियो। हाँ दोनों हाथों को उठा करके और न्यू कैमे बड़े बूढ़े जो जितना ऊपर हाथ उठावे वो उतना जल्दी ऊपर जावे वो। देखो हंसवे भी बात ना है, मैं तो तरक्की का कह रही हूँ, तुम गलत सोच के दिखे। निवेदन सभी से अपने दोनों हाथ उठा कर बोल के राज महाराज की। और भैया धर्मवीर कहा क्या क्या, और तू मत ना बने होशियार बाबरे और ये दुनिया देगी नाला की तेरी नाई चलेगी चाला की। मत ना बने होशियार बाबरे भैया धर्मवीर भैया चाला की तो जहू खूब चल रही है, पर कोई बात ना तुम और हम बहनों वादा सब देख रहे हो। हाँ क्या जरा रे ओ तू मत ना बने होशियार बाबूरे बुरे क्या, ओ तू मत ना बने होशियार बाबूरे दुनिया देगी नाला की तेरी ना चलेगी चाला की। क्यों भैया और तू इतबित तू काए भटक रहे हो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचाजी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो तू इत बित कू काए भटक रहे हो, क्यों वो बंदर के जैसे मटक रहे हो। ओए क्या वो बंदर के जैसे मटक रहे हो, ओए वो तेरे काल सी सुपे लटक रहे हो गिरे हो। संचालक जी 50 रुपया दे रहे पर तुम दे ले करो खाओ को कबो दान कर ले करो बढ़िया रे। क्या वो तेरे काल सी सुपे लटक रहे हो, तेरे काल सी सुपे लटक रहे हो तू चिंता कर मन माला की तेरी ना चलेगी चालाकी। मत ना बने होशियार आजा। देखो साहब चील के घूसवां दे मांस निकल रहे हैं। और 1 रुपए का पुरस्कार हमारे संचालक जी दे रहे हैं।
अब जब को ध्यान साहब हमें रखेंगे देख लियो बेचारे ने चश्मा में धर के रखे रुपया। कोई बात ना एक झोर बैठे असर आवे वो ने का तो देंगे भैया जी। देखें आप लोगों का प्यार है जो बार बार हम आप लोगों के दर्शन करने के लिए चले आते हैं और वास्तव में बड़ा ही सम्मान बड़ा ही प्यार मिलता है हमें। ध्यान को उसी जगह लगा दी जहां की मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। आहा सज्जनों राजा हरिश्चंद्र कालू भंगी का आदेश मान करके उसी मंदिर पर पहुंच गए जहां की रानी तारा सोई हुई है। जैसे ही रानी तारा को देखा राजा हरिश्चंद्र ने पूछा रानी आप यहां कैसे आई। रानी ने राजा हरिश्चंद्र को देखा महाराज आप यहां कैसे आए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया रानी तारा मैंने यह सुना है कि तू डायन है तूने बच्चों की हत्या की है। आहा सज्जनों जब रानी तारा ने इतने वचनों को सुना कि बच्चों की हत्या की है रानी तारा कह रही है कि मुझसे ज्यादा दुखी न कोई। कहा महाराज मुझसे ज्यादा दुखी न कोई और मैं स्वामी सत्य बताती हूँ अरे बालक ना हनो मैंने कोई मैं कसम आपकी कि हिलकी भर की रोए गई रानी हिलकी भर की रोए गई रानी हो जब टप टप आंसू डारे अरे राजा जन कैसे भागी। जब इतने वचनों को राजा हरिश्चंद्र ने सुना कि ये डाहिन नहीं है लेकिन राजा हरिश्चंद्र कह रहा है रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य क्यों क्योंकि मैं आदेश में बंधा हुआ हूं। देखिए राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे भैया धर्मवीर कैसे कहा रानी सुन हे व्याकुल विकल और सो प्राण बकस दऊ तेरे सब मजबूरी है मेरी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कह रहा रानी अरे तो कुमार कले समान करे और क्या बोल मेरा पुरस्कार
बहुत धन्यवाद। हेरे जो राजा रंक समान करे खुल्ले दस काट ले खुल्ले ले लियो लियो और ज्यादा है ना तेरी सा भैया धर्मवीर क्या कहा। हेरे जो राजा रंक समान करे और समसानुषी को कहते हैं भैया हेरे जो राजा रंक समान करे और समसानुषी को कहते हैं और हेरे जो पार लगा दे पार लगा दे पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं जो आहा सजनों राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे रानी तारा मैं तुझे मारूंगा अवश्य। देखो पिघले अच्छा इतने हैं 1 से 1 रुपए का पुरस्कार। राजवीर जी जयपुरिया वाले दे रहे हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र कह रहे रानी तारा कहा कि कालू का आदेश मिला है। कहा हे रानी कालू का आदेश मिला है और उसने यहाँ पठाया हूँ। अरे खूनी तुमको बता दिया इसलिए मारने आया हूँ। सो हरी कहे नानू को जाके हरी कहे नानू को जाके जब नैनन चले पनारे अरे रानी जन कैसे भागी। आज राजा हरिश्चंद्र कह रहा रानी तू तो डाहिन बता दी लेकिन सुन मेरे साथ में क्या हो रहा है। भैया धर्मवीर क्या कह रहा राजा हरिश्चंद्र रानी ध्यान से सुन क्या अरे अरे जाने और ले किस्मत और कैसी लखोटी। भैया धर्मवीर अरे अरे जाने और किस्मत कैसी खोटी और जने कब से मिली ना रोटी जने कब से मिली ना रोटी। देखे राजा हरिश्चंद्र कह रहे रानी अरे पसीना आवे आए क्या अरे कापे गात पसीना आवे और जाकी एक पेश नाए आवे और जाकी जावा दे हो कापे गात पसीना आवे और जब रानी तारा ने सुना कि राजा ने कई दिन से भोजन नहीं किया। घड़ी तो हमारे जो रहते हैं तुम्हारे घर गांव के गवैया कुए के घंटा गाय के रह रहे ऐसी अनिति मत करो मैंने पहली कह दी दुनिया बाबा सब करो। सुनिएगा जैसा कि रानी तारा ने सुना कि राजा ने कई दिन से भोजन नहीं किया। भैया जी देखो हाँ साहब रिशाओ तो अतमत रानी तारा जवाब दे रही भैया धर्मवीर कैसे क्या अरे पछार रानी। भैया धर्मवीर अरे पछार रानी और ले ठाड़े ते खाई गई अरे पछार
ढोला क्या भैया? अरे पछार रानी था, पछार रानी था, देखते खाए गई। अरे पछार क्यों भैया? अरे कर कर ही ख्याल भैया धर्मवीर क्या? अरे कर कर ही ख्याल मढ़ी पे रोवे, कर कर ख्याल क्यों? अरे धार जाके धा भैया धर्मवीर क्या? अरे धार जाके नैनन से बरस रही जल की धार। अरे धार जाके लेकिन भैया गवैया गाने वाले ढोला का जरा बता रहे कैसे? हाय बादना क्या? अरे बादना, अरे बादना, और हिल की सबर भर तारा रोए रही रे बादना भैया। अरे एरे जाके नैनन से क्या? एरे जाके नैनन से, एरे जाके नैनन से बरस रही जल की धार बादिना, रोए रोए के तारा ऐसी कह रही। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना, राजा हरिश्चंद्र कह रहे रानी तू मलाल ना कर। क्यों? क्योंकि इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। हमसे पहले भी कई राजा आए और हमारे बाद में भी आएंगे, लेकिन तू मेरी एक छोटी सी बात सुन ले भैया धर्मवीर। क्या कहा? क्या? हाय जिंदगी में ओ जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। कहा रानी सुन, जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। क्यों भैया? ये हंस, हाँ हंस, ये हंस जब जब उड़े, जब हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। क्या? हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। क्यों? बस सुनने को उनकी कहानी रही। और देखिए बात अच्छी और सच्ची लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद। क्या कहा? ये कोठी, हाँ कोठी, ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। समय का अभाव, अब सुनिए सब गाना। और गाना भी क्या, जैसा कि आजकल हमारे समाज में भाई भाई का दुश्मन हो गया, पिता बेटे का दुश्मन हो गया, बेटा बाप का दुश्मन हो गया। जब और ये आज से नहीं सत्ययुग द्वापर त्रेता से चला आ रहा है कि भाई का दुश्मन कब हुआ, कहां पे हुआ और क्यों हुआ। इस गाने के अंदर सुनिएगा निवेदन सभी से भैया धर्मवीर। मुंबई वालों ने बहुत पुराना गीत निकाला है, कौन सा? क्या? और ये दिल के आसमान पे हाय भैया, और दिल के आसमान
रुपए और एक डॉक्टर की घटा चाहिए। आई 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 तेरे याद आई भैया, लेकिन कभी क्या कह रहा है कैसे और ममता के चल पे भैया धर्मवीर जो आज का समय है कैसा और ममता के चल पे और ये चला तीर डाला क्यों और लहू को समझ के जैसे और लहू को समझ के जैसे और बहा नीर डाला तब और भाई ने भाई का जिगर चीर डाला भाई ने भाई का जिगर चीर डाला डाला। बात आई सतयुग की, सुनिएगा सतयुग में कहां पर हुआ भैया क्या? अरे सतयुग में सत के पीछे क्या? अरे सतयुग में सत के पीछे लड़े भाई 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 की नीति ना भाई की नीति ना भाई ने निभाई क्यों? अरे भाई के संग में धोखा भाई के संग में धोखा भाई न करता तो भाई के हाथों से भाई न मरता क्यों? हो राजा सगर ने सरगम सुना पीर डाला लहू को समझ के जैसे बहा नीर डाला भाई ने भाई का जिगर चीर डाला भाई ने भाई का जिगर चीर डाला बात आई त्रेता की, त्रेता में कहां पर हुआ सुनिएगा क्या भैया? अरे यति की कुटी पर एक क्या? अरे यति की कुटी पर एक नारी को देखा जनक नंदनी के मन में हुआ लगा दाग दामन तो है क्या? अरे लगा दाग दामन तो खो धीर डाला ममता के चल पे चला तीर डाला भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। और देखिए क्योंकि समय सबके लिए बना हुआ है, सुनिएगा द्वापर युग में ऐसा कहां पे हुआ भैया क्या कहा? कहा क्या? अरे कर्ण वीर के जब रथ का अरे कर्ण वीर के जब रथ का पहिया धसा करके मत में अंधा वो अर्जुन हंसा था क्यों? अरे किया पाप गिरधर ने गिरवर का धोखा चला तीर अर्जुन का
छलिया बिहारी ने हाये क्या हो छलिया बिहारी ने छल वीर डाला, क्योंकि उनके लिए तो दोनों समान थे फिर भी अरे छलिया बिहारी ने छल वीर डाला हो दलवीर ने गाना गा गंभीर डाला तो भाई ने भाई का जिगर चीर डाला।